वेलकम टू द ओरिजिन सीरीज ऑफ मार्वल एंड डीसी कैरेक्टर्स, जहां पे मैं हर एक ओरिजिन स्टोरी शेयर करता हूं। एंड आज की हमारी वीडियो होने वाली है ओरिजिन स्टोरी ऑफ कमेलियन, जिसके रिक्वेस्ट मुझे करी है मेरे एक सब्सक्राइबर ने, नहीं दो ने नहीं बल्कि चार चार सब्सक्राइबर्स ने, जो कि हैं ऋतिक जीना, हंसैन अमदार, फैजन काजमी एंड जीत इनामदार। तो अगर आप भी अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, एंड मैं जल्दी जल्दी इस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। एंड डोंट वरी, मैं सभी के कमेंट्स नोट डाउन करता हूं, तो सभी की वीडियोस डे बाय डे आती रहेंगी। तो बी श्योर टू कमेंट बिलो, एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोमेंट Let's begin the video. कमेलियन की फर्स्ट अपीयरेंस हुई थी दी अमेजिंग स्पाइडरमैन इशू 1 मार्च 1963 को। एंड कमेलियन का असली नाम बहुत ही लंबा है, जो कि है डिमिट्री एंटलॉय समेर डियाकोव क्रेविनोव। एंड कमेलियन का एक बड़ा भाई भी है जिसका नाम है सर्जी क्रेविनोव। एंड ये दोनों भाई अमेरिका की गलियों में पले हैं। एंड दोनों भाई के पास एक एक स्किल थी, जैसे कि कमेलियन डिसेप्शन स्टेल्थ में बहुत अच्छा था एंड उसका भाई अग्रेसिव स्टेल्थ में। एंड कमेलियन का बड़ा भाई आगे चलकर क्रेवन द हंटर बनता है। एंड बचपन में ये दोनों भाई अलग हो जाते हैं। एंड कमेलियन मिलता है एक स्कूल के प्रिंसिपल गस्तव फियर्स को, जो कि एक स्पेशल स्कूल चलाता है। एंड वो प्रिंसिपल कमेलियन को कैमोफ्लाज के बारे में स्टडी करवाता है। एंड उसकी स्टडी के कारण बचपन से ही कमेलियन को मल्टीपल पर्सनैलिटीज को ज्वाइन करने का ऑब्सेशन हो गया था, जिसके चलते वो बड़े होकर रशिया का एक सीक्रेट एजेंट बन जाता है। एंड अपना नाम रखता है कमेलियन, जो कि हमेशा एक व्हाइट मास्क पहन के रखता है। एंड वो व्हाइट मास्क कमेलियन को किसी भी इंसान का रूप लेने में बहुत हेल्प करता है, क्योंकि वो प्रोस्थेटिक मास्क था जिसके कारण सभी के फीचर्स उभर के आते थे। एंड अपने एक मिशन के दौरान कमेलियन एक अमेरिकन साइंटिस्ट को किडनैप करता है एंड उसका रूप लेकर वो दूसरे साइंटिस्ट से बात कर चलाकी से अमेरिका के मिसाइल डिफेंस प्लान्स को चुरा लेता है। तो उसका सेकंड हाफ भी कमेलियन को ऑब्टेन करना था, जिसके चलते वो स्पाइडरमैन को अपना शिकार बनाता है, क्योंकि उसे एक बंदा चाहिए था जिसे वो ब्लेम कर सके सभी चीजें चुराने के लिए। तो अपने इसी प्लान के चलते कमेलियन स्पाइडरमैन को रेडियो के जरिए एक ऐसा मैसेज भेजता है जो कि सिर्फ उसकी स्पाइडर सेंस ही डिटेक्ट कर सकती थी। एंड एग्जैक्ट यही होता है, पीटर वो मैसेज डिटेक्ट कर लेता है, जो कि उसे एक छत पे बुलाने के लिए कहता है। एंड इधर मिसाइल लैब में सिक्योरिटी गार्ड अपनी नाइट ड्यूटी के लिए तैयार हो रहा है एंड तभी वहां पर कमेलियन आकर उसे किडनैप कर लेता है एंड उसका रूप लेकर खुद लैब में घुस जाता है। एंड लैब में घुस के वो स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम पहनता है एंड वहां के सभी लोगों को वेब में शूट करके सीक्रेट प्लान्स चुरा लेता है। एंड इधर स्पाइडरमैन भी उस बिल्डिंग की छत पे पहुंच जाता है एंड उसी छत से एक हेलीकॉप्टर टेक ऑफ हुआ था। एंड जब स्पाइडरमैन उस बिल्डिंग पे लैंड करता है तो पुलिस वाले उसे कहते हैं कि फ्री स्पाइडरमैन, तुमने सीक्रेट प्लान चुराया है, उसे वापस करो। तो स्पाइडरमैन पूरा माजरा समझ जाता है एंड वो उस हेलीकॉप्टर के पीछे जाकर कमेलियन को उस हेलीकॉप्टर से निकालता है एंड वापस उसी बिल्डिंग की छत पे ले आता है उन सीक्रेट प्लान के साथ जो उसने चुराए थे। बट ठीक उसी वक्त कमेलियन एक स्मोक बॉम्ब फेंक के वहां से भाग निकलता है एंड जल्दी से वो उन्हीं गार्ड्स में से एक गार्ड का बेस बदल लेता है। तो स्पाइडरमैन अपनी स्पाइडर सेंस से उसे पहचान लेता है, बट तभी कमेलियन लाइट्स ऑफ कर देता है एंड जब लाइट्स ऑन होती है तो कमेलियन स्पाइडरमैन के साथ फाइट कर रहा होता है और कहता है कि कमेलियन स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम में है, लेकिन स्पाइडरमैन कमेलियन की वो फेक ऑफिसर वाली कॉस्ट्यूम फाड़ देता है एंड उसके नीचे से निकलती है फेक स्पाइडरमैन की कॉस्ट्यूम। तो पुलिस वाले वो माजरा समझ लेते हैं और उसे अरेस्ट कर लेते हैं एंड इसके बाद वो किसी तरह जेल से निकलता है एंड वापस रशिया में जाता है। एंड अब कमेलियन स्पाइडरमैन को खत्म करना चाहता है, क्योंकि जितनी देर स्पाइडरमैन जिंदा है तब तक कमेलियन को खतरा है। तो कमेलियन सीक्रेटली न्यूयॉर्क में आता है एंड वहां के अंडरवर्ल्ड क्राइम को ज्वाइन करता है एंड स्पाइडरमैन को मारने के लिए वो क्रेवन द हंटर को हायर करता है, जो कि उसका भाई था। तो कमेलियन के कहने पे क्रेवन द हंटर स्पाइडरमैन के साथ फाइट करता है उसे मारने के लिए, बट स्पाइडरमैन ज्यादा स्ट्रांग था इसलिए वो क्रेवन द हंटर को हरा देता है। एंड इसके साथ वो कमेलियन को भी ढूंढ निकालता है न्यूयॉर्क से एंड इसके बाद वो कमेलियन और क्रेवन द हंटर दोनों को जेल में डाल देता है एंड उन्हें एक शिप के जरिए दूसरी जेल में लेकर जाया जा रहा था, जहां वो एक सिक्योरिटी गार्ड को रिश्वत देकर एक छोटी बोट में निकल पड़ते हैं आजाद होकर। एंड तभी उस समंदर के पास उन्हें एक टोनी स्टार्क यानी आयरन मैन की फैक्ट्री दिखती है, तो वो वहां पर कुछ चोरी करने के लिए जाते हैं लेकिन वहां पर आयरन मैन आ जाता है जो कि क्रेवन द हंटर को पकड़ लेता है, लेकिन कमेलियन वहां से निकल जाता है। तो आयरन मैन से बदला लेने के लिए कमेलियन कैप्टन अमेरिका बनकर अवेंजर हेडक्वार्टर्स में घुसता है, जिसके बाद आयरन मैन असली कैप्टन अमेरिका को कमेलियन समझकर उस पर अटैक करने लगता है। तो तभी वहां पर आता है हैंक पिम यानी कि एंट मैन, जो कि असली कमेलियन के मास्क को निकालकर उन्हें रियलिटी दिखाता है। एंड फिर अगेन कमेलियन जेल से भेस बदलकर आजाद हो जाता है, लेकिन उसके मंसूबों को नाकाम करता है स्पाइडरमैन एक बार फिर से, जिसके बाद कमेलियन स्पाइडरमैन से नफरत करने लगता है एंड वो टेक्नोलॉजी से एक ऐसा सूट बनाता है जिसकी हेल्प से वो सिर्फ एक बटन दबाने से किसी का भी रूप ले सकता था। लेकिन जब कमेलियन का सामना डेयर डेविल से होता है तो डेयर डेविल कमेलियन के दिल की धड़कन से ही उसे डिटेक्ट कर लेता है एंड तभी वहां पर आ जाता है स्पाइडरमैन, जो कि कमेलियन को बुरी तरह से धोता है एंड उसे हरा देता है। एंड इसके बाद कमेलियन स्पाइडरमैन के साथ और भी ज्यादा नफरत करने लगता है एंड उसे मारने के लिए वो एक प्रोस्थेटिक सर्जरी करवाता है, जिसके जरिए वो अपनी बॉडी में एक ऐसा इंजेक्शन इंजेक्ट करवाता है जिसके हेल्प से वो
अपने फेस के फीचर्स को अपनी मर्जी से जैसे चाहे बदल सकता है। एंड इसके साथ वो एक बेल्ट भी बनाता है जो कि हंड्रेड्स ऑफ फेशियल पैटर्न्स के साथ थी, एंड वो किसी का भी फेस स्कैन कर बिल्कुल वैसा फेस बना सकती थी। एंड बहुत ज्यादा लंबे टाइम तक इस बेल्ट एंड उस सीरम के कारण कमेलियन के फेस फीचर बिल्कुल उसके मास्क के जैसे व्हाइट हो जाते हैं, एंड इस तरह जन्म होता है द कमेलियन का। एंड इसके बाद वो न्यूयॉर्क में अपने क्राइम्स को कंटिन्यू करता है, एंड इसके बाद वो हैमर हेड, किंग पिन एंड टॉमस्टोन जैसे बड़े क्रिमिनल्स के साथ हाथ मिलाकर स्पाइडरमैन को मारने की कोशिशें करता है। सो थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग एवरीवन। तो ये थी ओरिजिन स्टोरी ऑफ कमेलियन। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर पसंद आई तो लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना अगर आप इस चैनल पर न्यू है, एंड अगर आप अपने किसी फेवरेट कैरेक्टर की ओरिजिन स्टोरी जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट जरूर करना कमेंट सेक्शन में, एंड मैं जल्दी से जल्दी इस पर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। एंड नाउ आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।